है ना, बीजेपी की सेंटर में भी सरकार है, राजस्थान में भी सरकार है, तो अब पब्लिक ये देख रही है भाई अगर इसको वोट देंगे तो विकास नहीं होगा, विपक्ष में जाके बैठेगा, अब जब सरकार को वोट देंगे तो विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। सत्ता जो है जब बीजेपी की जयपुर में होती है तो यहाँ कांग्रेस का विधायक जीतता है, और जब सत्ता कांग्रेस की होती है तो बीजेपी का विधायक जीतता है। हम तो सदा पिछड़े के पिछड़े हैं भैया। हाँ, पार्टी को महत्व देते हैं न कि जातिवाद को महत्व देते हैं, कैंडिडेट को महत्व देते हैं। शनिवार है, इस वजह से काली शर्ट पहनी है क्या? हाँ जी, तो करवा रहे हैं। पड़ेंगे यहाँ से 90% वोट, 85% वोट बीजेपी के पड़ेंगे भैया। नमस्ते, आदित्य नाम है मेरा और आप झलको राजस्थान के फ्रेम में मुझे देख रहे हैं। झलको राजस्थान विधानसभा चुनाव उपचुनाव में यात्रा कर रहा है, गांव-गांव तहसील जाकर के आपको रुझान दिखवाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग रामगढ़ विधानसभा के एक रामगढ़ हलके के गांव में पहुंचे हैं। गांव का नाम है नौगांव, गांव एक ही है लेकिन गांव का नाम नौगांव है। तो नगर पालिका है, बड़ा गाँव है, तखत गाँव है इस हलके का। तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग ताश पत्ते खेल चल रहा है, शाम का समय, हरियाणा में तो ये नज़ारा आम है, राजस्थान में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो आइए इनसे बात करते हैं और क्या नौगांव के लोगों का मूड है जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर शिव सिंह सैनी। डॉक्टर शिव सिंह सैनी, शिव सिंह। तो शिव सिंह जी कितनी डायरियां भर गई है साहब में? ये तो टाइम पास करने का जुगाड़ है जी। अच्छा, बस और कुछ नहीं। हरजीत किस पर, चाय पे चल रही है? हाँ, चाय पे खेलते हैं, मूँगफली पे खेल लेते हैं। हारने वाली पार्टी खर्चा करती है। हाँ हाँ हाँ, तो ये गणित तो खैर ठीक है, पर ये बताओ चुनाव में हारजीत किसकी हो रही है? चुनाव में जी यहाँ तो बीजेपी का गढ़ है नौगांव कस्बा, तो और जीत भी दिखाई दे रही है उनकी, बीजेपी की। तो कारण क्या है? जुबैर खान 3 बार के विधायक हैं, 2013 से लगभग वही बनते आ रहे हैं। एक बार उनकी पत्नी बनी थी बीच में और 2 बार वो बने थे 13 और 23 में। कामकाज नहीं किया उन्होंने 10-12 साल के पीरियड में। परिवारवाद को खत्म करना चाहे, क्या क्या कह रहे हो? परिवारवाद है यहाँ। कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता है जिनकी उम्र निकल गई दरी बिछाते बिछाते। जुबैर जी के बाद में यहाँ पर जो है 30 साल से जुबैर जी लड़ रहे हैं, लेकिन कभी किसी और का भी नंबर आए। नसरू जी भी हैं यहाँ पे, उनसे सीनियर हैं, उनका नंबर क्यों नहीं आता है? ऐसे बहुत से जवाहर जैन हैं हमारे रामगढ़ के, उनका नंबर क्यों नहीं आता है? इनका जो बच्चा कभी सपने में नहीं देखा उसका भी नंबर आ रहा है, जो हमारे सीनियर हैं कांग्रेस के, उनको टिकट क्यों नहीं मिलता है? मेन कारण ये है। एक ही परिवार में राजनीति घूम रही है कांग्रेस परिवार की। आज 30 साल उन्होंने कर ली, 6 बार यहाँ से रहे, 3 बार जीते हैं, 3 बार हारे हैं। नहीं आई समझ में, साफिया जी भी रहेगी, जुबैर जी भी रह गए, अब उनके सपुत्र जी भी आ रहे हैं। तो कांग्रेस के और भी तो हैं सीनियर हैं, जवाहर जैन जी हैं, हमारे नसरू खां जी हैं। कांग्रेस एक परिवार से बाहर निकल करके देखे तो देखो, सबका नंबर आना चाहिए, योग्यता के आधार पर आना चाहिए। ये नहीं कि परिवारवाद, भाई अब मैं मर गया तो मेरा बेटा मर गया तो मेरा पोता नहीं तो उसका पोता, यह है मेन कारण। अच्छा, और जुबैर जी का कामकाज कैसा रहा? जुबैर जी बहुत बढ़िया आदमी थे, एक नंबर आदमी थे, नाइस थे, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, सबका काम कराते थे, प्रियजन थे सबके। जुबैर जी कामकाज के आधार पर उनके बेटे को वोट नहीं मिले? देखो अब बेटा हमने देखा ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं। सुनो, देखो जुबैर जी एकदम नाइस आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी। सरकार का भी तो फर्क है ना, बीजेपी की सेंटर में भी सरकार है, राजस्थान में भी सरकार है, तो अब पब्लिक ये देख रही है भाई अगर इसको वोट देंगे तो विकास नहीं होगा, विपक्ष में जाके बैठेगा, अब जब सरकार को वोट देंगे तो विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। 3 इंजन की सरकार बनाना चाह रहे हो? हाँ, 3 इंजन की तो 2 इंजन की, 3 की हो जाएगी, सेंट्रल स्टेट और विधायक भी आप। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है। क्या कह रहे हो? रामगढ़ तहसील का ऐसा ही होता है कि कभी जो सरकार बीजेपी की तो कांग्रेस का विधायक रहा है, और बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस का विधायक रहा है, इसीलिए हम भी यही सोच रहे हैं कि हमारे पास यहाँ बीजेपी कैंडिडेट आए। सत्ता विरोध में ज्यादा रहा है? सत्ता जो है जब बीजेपी की जयपुर में होती है तो यहाँ कांग्रेस का विधायक जीतता है, और जब सत्ता कांग्रेस की होती है तो बीजेपी का विधायक जीतता है। हम तो सदा पिछड़े के पिछड़े हैं भैया। कामकाज प्रभावित होंगे? कामकाज तो अब तुम जानते हो, जिसकी सत्ता होगी कामकाज उसका ज्यादा होगा, और जिसकी सत्ता नहीं होगी उसका विधायक होगा तो वही विधायक कोटे का पेमेंट मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। ये सुखजीत सिंह तो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे आजाद समाज पार्टी से, निर्दलीय हैं? पार्टी से, हाँ, जो उसकी चंद्रशेखर की पार्टी पार्टी से लड़े थे।
जिस दूसरे नंबर पे रहे थे। हाँ 74,000 वोट आए थे इनके, 74,000 वोट आए थे। और जो ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे हैं जयदेव आहूजा, जय आहूजा, ज्ञानदेव आहूजा दो बार विधायक रहे थे यहाँ पे, उनका कामकाज कैसा था जी? बहुत बढ़िया थे जी, आहूजा जी बढ़िया आदमी थे। अब उनका बच्चा किसी ने नहीं देखा, वो जो भतीजा आया था, अब भतीजा आया है तो जनता में एकदम नए आकर के जब मिलोगे तो देखो टाइम तो लगेगा, नहीं आई समझ में कौन जा? अरे भाऊजी राम राम। हाँ राम राम। इनका राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिलोनी है। अच्छा, क्या सरपंच हो आप? भूतपूर्व सरपंच हो। कौन से गांव के? नौगांव। यहीं के नौगांव के। तो पहले ग्राम पंचायत होती थी गई, कब नगर पालिका में कब प्रमोट हुई है? अभी अभी हुई है, अभी 5-6 महीने हुए गहलोत जी। तो भाऊजी क्या चुनाव का क्या माहौल है इस बार? भाई हम तो यही बैठा रहे, हम तो गया ना कोई एडवर्टाइजमेंट करवा को। अच्छा। ने वोट मांगवा गया, हम तो बैठा है भाई। हाँ तो यहाँ तो बातचीत होती होगी बैठक की? हाँ वो है, बातचीत करेंगे लोग बा, कोई कोई के करे, कोई कोई के करे, एक साइड में कर तो बोले ना कोई भी, कोई जुबेर की कह दे, कोई सुखमंदर की कह दे, कोई कोई के कह दे, कोई कोई कह दे। जोर किसमें ज़्यादा लग रहा है भाई? जोर तो लग रहा है या सुखमंदर में। सुखमंदर में लग रहा है जोर? हाँ। अच्छा। हाँ दो तीन बार का पिटा हुआ कैंडिडेट है। हाँ अब ये लोग बाग ज़्यादा ऐसे भेड़ा कर रहे हैं भाई, कोई बात ना मगर अब हम तो सुनी सुनी कहे हैं। अच्छा रामगढ़ के चुनाव में हिंदू मुस्लिम का भी कोई एंगल रहता है क्या? ना 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 ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु 35,000 वोट से जीते हो जुबेर, या को आया का वोट हिंदू ना देता तो 70,000 मुसलमानों के हैं, बाकी जो उनको 23,000 वोट। हाँ हाँ बाकी तो फिर हिंदुओं के ही सारे वोट। 6,600 वोट से आपके जुबेर जी जीते हैं, उससे पहले साफिया जी जो है बहुत बढ़िया बहुमत से जीती है। तो हमारे यहाँ कोई ना हिंदू का है ना कोई मुसलमान का है, यहाँ तो कैंडिडेट का है। जुबेर जो है, जुबेर हिंदू मुसलमान की सबके बराबर चले हो, ये चाहे हो मोहम्मदन लेकिन हिंदू मुसलमान को सबको बराबर देखे हो, चाहे मोहम्मदन हो। क्या कह रहे हैं भाऊजी? मुसलमान तो एक जगह हो जाते हैं। हाँ शौक हो उसको भी एक हो जाए। अच्छा। मुसलमान तो हिंदू नहीं होता है। हाँ। हिंदू बट गया। हाँ हिंदू हिंदू बट जाता है पर मुसलमान 100% वोट एक से गिर जाता है। तो जो उनकी जो काउंटिंग है वो 70,000 से ऊपर से चालू होती है, और हिंदुओं को थोड़ा मतलब बीजेपी कैंडिडेट को थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। हाँ लगा। मतलब है जी पार्टी को महत्व देते हैं, न कि जातिवाद को महत्व देते हैं, कैंडिडेट को महत्व देते हैं, यह है मेन कारण। हिंदू कोई ना हिंदू ना कोई मुसलमान करता है, और कोई करता होगा जो करता होगा, होना भी नहीं चाहिए इस तरह का मुद्दा। अच्छा आपका जो मेवात जो इलाका है दो चीज़ों के लिए बड़ा कुख्यात है, अखबारों में पढ़ते हैं, एक तो जो ऑनलाइन ठगी का इधर काम होता है OLX वगैरह का, और एक गौ तस्करी भी बहुत होती है, तो इस इलाके में ऐसा होता है क्या? नहीं हमारे यहाँ नहीं होता, पल्ली घाटी साइड को भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होता है ये। अच्छा डिक का जो इलाका? हाँ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमारा डिस्ट्रिक्ट अलवर लगता है, नहीं आई वैसे मेवात क्षेत्र में हम लगते हैं टच ना के बराबर। तुम कौन को मांग रहा हो? हम तो मीडिया से हैं, हम तो पूछ रहे हैं। अच्छा हम मांग नहीं रहे किसी को। हाँ नाम ठीक है, हम तो पूछ रहे हैं। अब पोजीशन बता दी सब बीजेपी की बता रहे हैं तो सर। अब मिल ना सब तो कहीं पूछ, 40 नहीं इनका 70,000 तो इनका वोट है मोमडन का नहीं, ये लोग सभी बीजेपी का बता रहे हैं। हाँ और हाँ अब तो ऐसे जा रहे हैं वोट, तुम तो वीडियो कैसेट बना रहा हो, वोट नू जा रहा है कि सरकार या भगत बीजेपी के नू जा रहा है वोट वाकू, वो देख रहा है भाई जो ये कहीं करे कोई एक लो, ये है चक्कर। हाँ सत्ता के साथ समीकरण भी जरूरी है। डीजीओ शांत कुमार जयपुर में, मैंने वासु कही IG से बढ़ो, मैंने वासु कही ना मगो DG साहब वो हमारी रिश्तेदारी भी है भरतपुर में, मगो यही कहीं बात है नुको भाई जाके सरकार हो ने, हम तो वाका पक्ष में रहे ना, DI IG से बढ़ो शांत कुमार जयपुर में। पावर के साथ तो रहना ही पड़ता है, ठीक बात है। हैं भाई साहब आपका क्या नाम है? राजवीर। हैं राजवीर, राजवीर शनिवार है इस वजह से काली शर्ट पहनी है क्या? हाँ जी तो करवा रहे पटेल हैं
पटेल जी से भी विचार ले लेते हैं। क्या नाम बताया आपने? राजवीर सैनी। राजवीर सैनी, क्या माहौल है राजवीर? बढ़िया माहौल है साहब, बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल तो बढ़िया, किसका माहौल? माहौल सुकून का साहब, बीजेपी का। बीजेपी का है तो पूरा गांव बीजेपी को भाई। हाँ, और कोई नहीं, सब बच्चे बच्चे किसी से पूछो सब बीजेपी का है। हाँ, यहाँ कितने की इस हल्के में, इस गांव में कितने की? 9,000 की पोलिंग बता रहे थे। हाँ, 8,500 की पोलिंग है। बीजेपी कितनी पर्ची निकल जाएंगे के पड़ेंगे यहाँ से? 90% वोट, 85% वोट बीजेपी के पड़ेंगे भैया। हाँ, कांग्रेस की कोई 400-500 पर्ची निकलेंगे? 500 निकल जाओ, 700 निकल जाओ, 600 निकल जाओ, इससे ज़्यादा नहीं, कभी भी नहीं जाते। ये साफिया जी को पता है, जुबीर जी को पता है, यहाँ वैसे वोट 100 है इनके पर, फिर भी हम हिंदूवाद नहीं करते हैं, हमारे यहाँ से वोट मिलते हैं, बाकी मिलेंगे इनको 15%, 14%, 13% ही बस, जो पड़ेगा मान सम्मान रहेगा। चलिए, ये थी हमारी नौगांव कस्बे की बातचीत। आगे इस तरह की और बातचीत मैं आपको बाजार में और दूसरे गांवों में दिखवाता हूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं झलको राजस्थान। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी नीरज। अभी तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।